इंडिया के बाहर ये चीजें कितनी सस्ती मिलती है और आईफोन के एड में हमेशा टाइम 9:41 ही क्यों दिखाया जाता है और कैसे ये बिल्ली दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी बिल्लियों में से एक है और कैसे सिर्फ बिमल गुटके की वजह से बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया और इस आदमी की वाइफ ने इस आदमी से ऐसा क्या ही बोल दिया जिसकी वजह से इसने 20 साल से अपना मुंह बंद करके रखा है। और अगर आपका वेट 50 किलो से कम है तो इस रोड पर भूल कर भी मत आना। तो दोस्तों मैं इस वीडियो पर एम करता हूं 100 लाइक्स का और मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 18, आप सभी तो जानते होंगे कि कैट्स आर लिक्विड, नहीं जानते चलिए मैं बताता हूँ कैसे। इसमें बताइए क्या लिक्विड के अलावा कोई भी इतनी छोटी जगह से बाहर निकल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हो गया ना प्रूफ, कैट्स आर लिक्विड। वैसे वीडियो से नहीं बल्कि एक बंदे ने साइंटिफिकली प्रूफ भी किया है इसे। इस बंदे का नाम है मार्क एंटोनी फार्डी जो कि एक फ्रांस के फिजिशियन है। इस बंदे ने रियोलॉजी ऑफ कैट्स के नाम से एक पेपर पब्लिश किया जिसमें मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया गया कि कैट्स लिक्विड है। इनके अनुसार लिक्विड अलग अलग कंटेनर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, ठीक वैसे ही कैट्स कैसा भी कंटेनर हो सभी में आसानी से फिट हो जाती है। इनके इस फिजिक्स के पेपर के पब्लिश होने के बाद इन्हें IG नोबल प्राइज भी मिला। वैसे क्या आपको कैट्स पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 17, इंसान तो ग्रेजुएट होते ही है लेकिन एक बार इस बिल्ली को देखो। ये बिल्ली UT ऑस्टिन से ग्रेजुएट है। दरअसल इस बिल्ली की जो ऑनर है वो भी इसी यूनिवर्सिटी में थी और ये अपने बिल्ली के साथ हर जूम कॉल अटेंड करती थी, तो इसकी बिल्ली भी ग्रेजुएट हो गयी क्योंकि दोनों साथ में जूम कॉल अटेंड करके पढ़ाई करते थे। नंबर 16, इमेजिन करो कि आप अपने सामने वाले ग्राउंड के घास को निकाल कर बेच रहे हो और उस घास को खरीदने के लिए लोग पागल हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना जैसी बड़ी जो फेमस टीम है वो अपने होम ग्राउंड की घास बेच रही है और क्रेजी बात तो ये है कि फुटबॉल फैन सच में इसे खरीद भी लेते हैं। नंबर 15, गुटखा खाना भी कभी कभी अच्छा हो सकता है। कानपुर में एक आदमी ने गुटखा खाने की वजह से बैंक में होने वाली चोरी को रोका था। दरअसल उस आदमी ने गुटके को चोरों के आंखों में थूक दिया था, इसके बाद वो चोर कुछ नहीं कर पाया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उस आदमी को अवार्ड भी मिला। और ये देखते हुए आप भी गुटका खाने मत लग जाना। नंबर 14, जरा इसे देखो, ये है एक एक्सकेलेटर जिसमें आप अपने शॉपिंग कार्ट को डाल सकते हो। जब भी आप कभी मॉल में जाते हो तो आपको बड़े बड़े कैरी बैग्स कैरी करने पड़ते हैं, लेकिन उस चीज से आप छुटकारा पा सकते हो ऐसे एक्सकेलेटर की मदद से, और फिर आप पूरे मॉल में शॉपिंग कार्ट का यूज कर सकते हो। नंबर 13, आपने टार्जन मूवी में देखा होगा कि किस तरह से कार साइडवेज में चलती है, तो बस यही ह्युंडई रियल लाइफ में कर रहा है जो कुछ ऐसा दिखता है। अगर ये सभी गाड़ियों में आ जाए तो पार्किंग की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। नंबर 12, अगर आपको ये कीड़ा काट ले तो आप नॉन वेज खाना ही भूल जाओगे, आप मीट से एलर्जिक हो जाओगे और वो भी एक कीड़े की काटने की वजह से। इस कीड़े का नाम है लून स्टार टिक जिसे अमेरिका में मीट एलर्जी शुरू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ये कीड़े मेनली साउथ ईस्ट टेक्सास से अयोवा और इंग्लैंड में पाया जाता है। शायद इस कीड़े को वेजिटेरियंस ने बनाया होगा। नंबर 11, दोस्तों मिस्टर बीन के कितने ज्यादा एपिसोड्स हुआ करते थे ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा। मिस्टर बीन के सिर्फ 15 एपिसोड ही बनाए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बस 15। हमें बचपन में लगता था कि हम कई सारे एपिसोड्स देख चुके हैं, एटलीस्ट 50 से तो ज्यादा ही, लेकिन एक्चुअल में ये बस 15 एपिसोड्स ही हैं। नंबर 10, जिद की भी एक हद होती है जो इस जापानीज आदमी ने तोड़ दी। इस आदमी ने पिछले 20 साल से अपनी पत्नी से बात भी नहीं की है क्योंकि 20 साल पहले इनकी पत्नी ने इनको एक बहस के दौरान अपसेट कर दिया था और तभी उन्होंने फैसला किया कि ये कभी भी अपनी पत्नी से बात ही नहीं करेंगे और इन्होंने ऐसा ही किया। नंबर 9, इंसान तो जिम में वेट लिफ्ट करते ही है, यानी कि वेट्स को उठाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी कैट को वेट लिफ्ट करते हुए देखा है? जापान के एक शो में कैट्स को रिकॉर्ड किया गया था भारी भारी फिशेस को वेट लिफ्ट करते हुए, और ये वेट लिफ्ट ये डंबल से नहीं बल्कि 2 किलो के फिश को अपने मुंह से उठाकर करती है। नंबर 8, अगर आपका वेट 50 किलो से कम है तो आप इस रोड पर चल ही नहीं सकते। हाँ, कुछ ऐसा ही रूल चाइना ने रिसेंटली निकाला था क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयंकर तूफान चल रहा था। इसकी हवा इतनी तेज थी कि 50 किलो से कम वाले लोगों को ये हवा उठाकर दूर फेंक देती थी। नंबर 7, सुई में धागा डालने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है। आपको बस एक ब्रश लेना है और फिर उस पर एक धागा रखना है और नीडल को कुछ इस तरीके से ब्रश के ऊपर प्रेस करना है। ऐसे ही जो धागा है ऑटोमेटिक नीडल में चला जाएगा और आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। नंबर 6, चाइना में 400 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश की स्टडी करते हैं, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि अमेरिका जिसे लिटरली इंग्लिश लैंड कहा जाता है वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग भी 400 मिलियन नहीं है। मतलब कि अमेरिका में इंग्लिश स्पीकर से ज्यादा चाइना में इंग्लिश लर्नर्स हैं। नंबर 5, स्नेल बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर है। ये गैप्स को कुछ इस तरह से क्रॉस करते हैं। ये अपनी टेल का इस्तेमाल करते हैं जो कि यूजुअली हमें नहीं दिखती क्योंकि वो
स्नेल के सेल के अंदर होती है। नंबर 4, आपको तो पता ही होगा कि डेड एसडी कार्ड से भी डेटा निकाला जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले एसडी कार्ड को स्क्रैच किया जाता है। इसके बाद इसके अंदर डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें कुछ इस तरह से सिस्टम में अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया जाता है और फिर इन्हीं में से डेटा को रिकवर करके दूसरे एसडी कार्ड में डाला जाता है। नंबर 3, दोस्तों इन स्कूल में नकल करना तो मिशन इम्पॉसिबल है। चाइनीज स्कूल अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर चीटिंग को रोकने के लिए ऐसे कैमराज इंस्टॉल किए जाते हैं। एक बार देखो कि ये कैमरे कितने ज्यादा जूम हो सकते हैं, और यहाँ इंडिया में तो कुछ क्लासेस में लगे हुए कैमराज काम ही नहीं करते हैं। खैर, वो तो स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से अच्छी बात है। नंबर 2, टॉयलेट वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े डिजास्टर है, क्योंकि एवरेज घर में हम जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसका 35% कहीं और नहीं बल्कि घर के टॉयलेट में यूज होता है। यानी कि हमारे घरों में जितना पानी यूज होता है उसमें से 35% टॉयलेट में यूज हो जाता है। नंबर 1, एक प्रोडक्ट का प्राइस कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा डिफर करता है। आपको पता होगा कि किसी भी अच्छी फॉरेन कंट्री के मुकाबले इंडिया में प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। जैसे कि लेज के चिप्स इंडिया में 5 रुपए से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अमेरिका में इसकी स्टार्टिंग प्राइस ही $4 है, यानी कि करीब 350 रुपए। और वहीं अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि कुरकुरे, वो अमेरिका जैसे देश में और भी ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि वो इंडिया में वहाँ से लिमिटेड क्वांटिटी में इम्पोर्ट होते हैं। वहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस हैं वो इसे काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए इंडिया से हर मामले में महंगा है। कुछ चीजें ऐसी भी है जो इंडिया में ज्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट। इंडिया के टैक्स की वजह से और एप्पल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना होने की वजह से एप्पल प्रोडक्ट इंडिया में काफी ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे एप्पल इस पे भी काम कर रहा है। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में यूएसए या फिर किसी और कंट्री से ज्यादा महंगा है। फिर आते हैं न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लीमेंट, ये सब भी इंडिया में काफी ज्यादा महंगे होते हैं। फिर इसी के साथ कुछ क्लोथिंग ब्रांड और शूज के ब्रांड्स भी इंडिया में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसीलिए कुछ लोग जब दुबई या अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं तो वहाँ से ये सब चीजें परचेज करते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड। इंडिया में शादी को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, जिसमें लोग बहुत सारी रस्में फॉलो करते हैं। लेकिन एक ट्रेडिशन इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और वो है गोल्ड खरीदने का। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया से सस्ता सोना दुबई में मिलता है? इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 55,000 रुपए के अप्रोक्स है, जबकि दुबई में 48,000 रुपए के अप्रोक्स है। और दुबई में तेल तो बहुत है लेकिन पानी बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए वहाँ समुन्दर के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। और इसीलिए वहाँ 1 लीटर पानी की कीमत लगभग 90 रुपए से 100 रुपए तक है। पानी की बात बहुत ज्यादा पीने वाली चीज है कोल्ड ड्रिंक। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में कोका कोला सबसे ज्यादा कम प्राइस में मिलता है? वहीं स्विट्जरलैंड में 300 ml कोक का प्राइस 388 रुपए है, जबकि इंडिया में 300 ml कोक सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता है। और अमृतसर में तो गोल्डन टेम्पल के पास पेप्सी 5 रुपए में मिल जाती है और कोक 6 रुपए में मिलती है। ये चीजें इतनी सस्ती कहीं नहीं मिलती होगी। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया है तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट है कि आपने कभी सोचा है कि आईफोन के एड में हमेशा टाइम 9:41 ही क्यों दिखाया जाता है? और कोई टाइम भी तो दिखा सकते थे। यहाँ तक कि आईफोन 15 के लॉन्च में भी 9:41 ही टाइम दिखाया गया है, और इससे पहले भी जितने भी आईफोन्स लॉन्च किए गए हैं उन सभी के एड्स में भी आपको टाइम 9:41 ही दिखाई देगा। यहाँ तक कि आईफोन 4 के लॉन्च में भी टाइम 9:41 ही था। अब आप ये मत सोचना कि एप्पल ने कोई टोटका करवाया है ताकि इस टाइम पर ज्यादा आईफोन्स बिके, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब स्टीव जॉब्स ने साल 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था तब सुबह के 9:41 यानी कि 9:41 बज रहे थे, और तब से लेकर आज तक एप्पल अपने सारे एड्स में टाइम 9:41 ही दिखाता आ रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।